हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एंड इन माय क्लास। आज के लेक्चर में अपन देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो कि मॉडर्न फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है। ठीक है, इससे पहले अपन ने बात किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। ठीक है, जिसके अंदर हमने पढ़ा था भैया बहुत सारा टॉपिक। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने कम्प्लीट किया था, कुछ न्यूमेरिकल सब आपको मैंने दिए भी थे लगाने के लिए और सॉल्व करवाए थे। तो अगर आपको उसके न्यूमेरिकल में कोई भी डाउट हो तो आप हमसे विद द कमेंट ऑफ ठीक है विद द हेल्प ऑफ कमेंट बॉक्स आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप हमसे भैया कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज के इस चैप्टर, आज के इस लेक्चर में अपन स्टार्ट करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। आपने नाइन्थ क्लास में भी पढ़ा हुआ है, देखिए केमिस्ट्री के अंदर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, नाइन्थ क्लास में भी पढ़े हैं एटम एंड मॉलिक्यूल के नाम से, एंड इलेवेंथ में आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आपने वहाँ पर केमिस्ट्री में पढ़ा है, अब अपन पढ़ेंगे फिजिक्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हमको एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी? यहाँ पे देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोग देखिए लाइट में हम लोग ने माना है भैया पार्टिकल, फोटो इलेक्ट्रिक को हमने क्या कहा है पार्टिकल मान के सारी चीज़ें की हैं। तो जब भैया पार्टिकल पार्टिकल खेल रहे हैं तो एटम के बारे में तो पढ़ना बनता है ना, तो एटम के बारे में पढ़ेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो यहाँ से भैया एटम के बारे में जब यहाँ पे आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि हम लोग इसमें पढ़ने किसके बारे में, एटम के बारे में, और एटम के बेसिकली किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में अपन यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अपन बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि भैया एटम होता क्या है, एटम के बारे में तो जाने कि एटम होता क्या है। तो देखिए जब यह यूनिवर्स बनी, जब ये यूनिवर्स बनी तो यूनिवर्स में कई सारी चीज़ें आईं, तो कई सारी चीज़ें आई, वो सारी चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में थी, डिफरेंट डिफरेंट तरीके की थी। तो हमारे मन में डाउट आया, हमारे मन में डाउट क्या आया कि भाई साहब कोई तो चीज़ है जिससे मिलकर क्या है ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं, क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ें बनी हुई हैं तो कोई तो ऐसी छोटी चीज़ होगी, बेसिक चीज़ होगी जो सबके अंदर कॉमन होगी, हमारे अंदर भी कॉमन होगी, हर मटेरियल के अंदर कॉमन होगी। ठीक है, जिससे मिलकर कोई सब्सटेंस बना हुआ है। ठीक, तो भैया उस समय क्या आते हैं, पुराने समय में हमारे, आपने नाम सुना होगा महर्षि करार, हमारे इंडियन ही थे, तो उन्होंने क्या बताया था कि कोई भी सब्सटेंस है वो हमारा छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, उन पार्टिकल को उन्होंने नाम दिया था अणु, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इन्होंने बोला कोई भी सब्सटेंस छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स या फिर पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, तो लोगों ने यह मान लिया भाई साहब हाँ ठीक है कोई भी सब्सटेंस है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना। लेकिन जो हमारे इंडियन थे ना, उनके अंदर एक आदत थी कि मतलब वो बोल देते थे और लोग उनको कहानी की तरह सुनाते रहते थे, उनका कोई रिटन एविडेंस यानी हिस्टोरिकल रिटन एविडेंस हम लोगों के पास नहीं है। हिस्टोरिकल रिटन एविडेंस केवल अपने पास पुरानी चीज़ों का ही है, जैसे वेदों का। ठीक है, इस तरीके के हिस्टोरिकल रिटन एविडेंस है, बाकी इन सब चीज़ों का कोई हिस्टोरिकल रिटन एविडेंस अपने पास नहीं है। तो यहाँ पर अपन ने क्या बोला कि भाई साहब जब पुराने हमारे जो पूर्वज आए उन्होंने क्या बोला कि जितने भी सब्सटेंस हैं वो सारे हमारे पंच महातत्व से मिलकर बने हुए होते हैं। वो पंच महातत्व क्या थे? वो पंच महातत्व थे हमारे एयर, वाटर, सोयल, फायर, ठीक है, स्काई, ये सारी चीज़ों से मिलकर क्या है, ये पांच चीज़ें हैं जिनसे मिलकर हमारा कोई भी सब्सटेंस बना हुआ है, जिसको आजकल के साइंटिस्ट ने ठुकरा रखा है। उन्होंने क्या बोला, कोई भी पंच महातत्व नहीं होता है भाई, पंच महातत्व थोड़ी ना होता है, एटम से मिलकर बना होता है भैया कोई सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस है वो एटम से मिलकर बना होता है। तो एटम के बारे में जब चर्चा हुई तो कई सारे साइंटिस्ट आए, जिसमें सबसे पहला साइंटिस्ट आया था हमारा डाल्टन। कौन आया था? डाल्टन साहब आए थे, हाँ, और ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम के बारे में बताया, जिन्होंने एटम के बारे में एक्सप्लेन किया और लेकर आए अपना डाल्टन एटॉमिक मॉडल। इन्होंने क्या बताया अपने डाल्टन एटॉमिक मॉडल में कि कोई भी सब्सटेंस, ठीक है, जो हमारा इस अर्थ पे प्रेजेंट है या इस यूनिवर्स पे प्रेजेंट है वो हमारा किससे मिलकर बना है, एटम से मिलकर बना है। और एटम क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सब्सटेंस है, यानी कोई भी सब्सटेंस की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट अगर देखें, जैसे उन्होंने बोला कोई तो छोटी चीज़ है जो किससे मिलकर बनी हुई है, जिससे मिलकर ये सारा सब्सटेंस बना हुआ है। तो भैया उन्होंने बोला कि कोई भी ऐसी चीज़ जिससे मिलकर सब्सटेंस बना हुआ है वो सबसे छोटी यूनिट हमारी एटम है, और एटम क्या है? इनडिविजिबल। इन्होंने भैया इसको क्या बोल दिया, एटम को इनडिविजिबल बोल दिया। क्या बोल दिया? इनडिविजिबल। ठीक है, जब इन्होंने एटम को इनडिविजिबल बोल दिया, यानी इनडिविजिबल बोलने का मतलब क्या है
कि एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता। एटम इतना छोटा है कि उसको और ज़्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता। ये सारी चीज़ें इन्होंने बोल दी और इसका अपना थ्योरी भी दी, ठीक है। ये सारी चीज़ें इन्होंने थ्योरी में लिखी और इसका रिटर्न एविडेंस अपन को दिया, ठीक है। तो लोगों ने ये मान लिया कि भाई साहब हाँ, कोई भी सब्सटेंस है जो क्या है एटम से मिलकर बना हुआ है, और एटम क्या है, किसी भी सब्सटेंस की स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक। तो भैया डाल्टन साहब ने ये थ्योरी दे दी। इसके बाद हमारे 1897 के अंदर आ गए जे जे थॉम्सन, और जे जे थॉम्सन जब आए तो इन्होंने एक नई चीज़ निकाल दी। इन्होंने क्या निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन। इन्होंने डिस्कवरी कर दी इलेक्ट्रॉन की। डिस्कवरी किसकी कर दी, इलेक्ट्रॉन की। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं इसके बारे में एटॉमिक, यानी डाल्टन के एटॉमिक मॉडल के बारे में, फिर हम लोग पढ़ते हैं जे जे थॉम्सन का एटॉमिक मॉडल, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग लिखिए, डाल्टन के एटॉमिक मॉडल में मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स विच आर द स्मॉलेस्ट यूनिट एंड इनडिविजिबल इन नेचर, विच आर द स्मॉलेस्ट यूनिट एंड इनडिविजिबल इन नेचर। यानी मैटर क्या है, एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जो कि इनडिविजिबल है, जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। इतनी बात आपको समझ में आ रही है एकदम अच्छे से, मज़ा आ रहा है वीडियो में, मज़ा आ रहा तो लाइक करिए जल्दी से, दबा के शेयर करिए, और अपने दोस्तों में जल्दी से कह दीजिए कि भैया इस चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लें, अगर अगला चैप्टर देखना है उनको, अगला लेसन यानी कि अगला आपको लेक्चर देखना है, ठीक है। क्योंकि चैप्टर तो भाई अभी 3-4 लेक्चर में ख़त्म होगा ना, अभी तो इतनी जल्दी थोड़ी ना ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मैं एक लेक्चर में भी ख़त्म कर सकता हूँ अगर आप बोले तो, ठीक है। लेकिन थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं तो चीज़ें अच्छे से क्लियर होते जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले भैया डाल्टन एटॉमिक मॉडल लिखिए, इसमें आपने नेक्स्ट पॉइंट, इसमें आपने लिख लिया ना फर्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एटम ऑफ द सेम मैटर आर सेम एंड डिफरेंट मैटर आर डिफरेंट। इन्होंने एक मेजर बात बोली भाई साहब, इन्होंने एक मेजर बात बोली। मेजर बात क्या बोली, कि जो सेम टाइप के सब्सटेंस हैं उनके एटम सेम टाइप के होंगे, जो डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस हैं उनके एटम डिफरेंट टाइप के होंगे। ऐसा नहीं होगा कि डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस में डिफरेंट टाइप के एटम हैं, ऐसा नहीं होगा। जैसे अगर अपन बात कर लें हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की, तो हाइड्रोजन में जो एटम होंगे वो हाइड्रोजन के ही होंगे, ऑक्सीजन में जो एटम होंगे वो ऑक्सीजन के ही होंगे। ऐसा नहीं होगा कि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन के एटम आ गए या ऑक्सीजन में हाइड्रोजन के एटम आ गए। बात समझ में आ रही है ना, ऐसा नहीं होगा। तो सेम टाइप के सब्सटेंस में सेम टाइप के ही एटम प्रेजेंट होते हैं, ऐसा बोला डाल्टन साहब ने। तो इसके बाद भाई साहब 1897 के अंदर, ठीक है, यहाँ पर आ गए जे जे थॉम्सन, और इन्होंने डिस्कवरी कर दी क्या, इलेक्ट्रॉन की। इन्होंने बोला कि जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से। हालांकि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बारे में इन्होंने अभी नहीं बताया था, इन्होंने केवल बात की थी किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो इन्होंने क्या कर दिया भाई साहब, एटम को तो डिवाइड कर दिया। इन्होंने क्या किया, एटम को तो डिवाइड कर दिया। और डाल्टन साहब ने क्या बोला था कि एटम क्या है, इनडिविजिबल। तो डाल्टन की थ्योरी तो पहले ही फेल हो गई। डाल्टन की थ्योरी क्या हुई भाई साहब, पहले ही फेल हो गई, क्योंकि डाल्टन ने क्या बोल दिया, ये क्या है, डिविजिबल, इनडिविजिबल है, यानी इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। और थॉम्सन साहब आए, इन्होंने डिवाइड कर दिया। इन्होंने बोला भाई साहब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो है, यानी इलेक्ट्रॉन तो है, तो इसका मतलब इसके अंदर और भी पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो एटम मिलकर बना होता है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से मिलकर बना, ये तो सब जानते हैं, ठीक है। लेकिन उस समय जो थॉम्सन साहब आए थे, उन्होंने बोला था कि भाई साहब ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, तो इन्होंने एटम को तो क्या कर दिया, डिवाइड, जिससे डाल्टन की थ्योरी हो गई फेल, ठीक। तो डाल्टन की थ्योरी के फेल होने का रीज़न क्या था, कि इन्होंने बोला था एटम क्या है, इनडिविजिबल, एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता, इस वजह से इनका मॉडल क्या हो गया, फेल। अब हेडिंग डालिए जे जे थॉम्सन प्लम पुडिंग मॉडल, हेडिंग डालिए जे जे थॉम्सन प्लम पुडिंग मॉडल। तो ये सन 1904 के अंदर अपना प्लम पुडिंग मॉडल लेके आए। जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज कर ली, तो उस पर इन्होंने बोला कि भैया आप इलेक्ट्रॉन की खोज तो कर चुके हैं, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर चुके हैं, अब थोड़ा एटम पे चर्चा कर लेते हैं। तो एटम पे जब इन्होंने चर्चा की, तो 1904 के अंदर ये लेकर आए अपना प्लम पुडिंग मॉडल, कौन सा, थॉम्सन प्लम पुडिंग मॉडल। थॉम्सन प्लम पुडिंग मॉडल में क्या बताया इन्होंने, ठीक है, इन्होंने एक ऐसा मॉडल लेकर आए जो आपको तरबूज की तरह दिखेगा, ठीक है। यानी इन्होंने ये बोला कि एटम क्या होता है, एटम होता है एक पॉजिटिव चार्ज का गोला, एटम होता है भाई साहब एक पॉजिटिव चार्ज का गोला, जिसमें इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रैंडमली अरेंज होते हैं, जिस तरीके से तरबूज में शीर्ष अरेंज होते हैं। और इन्होंने नेक्स्ट बात क्या बोली, अगर मान लीजिए इसमें पॉजिटिव चार्ज 6 हैं, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे, 6।
यानी कि एटम के ऊपर जितना चार्ज होगा, यानी जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर निगेटिव चार्ज होंगे। यानी कि एटम क्या बोल दिया इन्होंने, एटम है न्यूट्रल। एटम क्या है, एटम बोल दिया इन्होंने न्यूट्रल है। एटम न्यूट्रल कैसे हो गया भाई साहब, क्योंकि जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज उतने ही नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज, तो एटम क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। ठीक है, इन्होंने ये बात बोली। ठीक, लेकिन इनका भी मॉडल फेल हो गया, ये भी चल नहीं पाया ज़्यादा दिन। ठीक है, इनका भी मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही इनका मॉडल आया तो साइंटिस्टों ने स्पेक्ट्रम की बात कर दी। इनसे किसकी बात कर दी, स्पेक्ट्रम की। अब स्पेक्ट्रम के बारे में तो इनको कुछ पता था नहीं, इन्होंने केवल भैया इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी और एक अपना मॉडल बना दिया उसी इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे, और बोल दिया भाई साहब ये मॉडल है, ये इसका चार्ज का गोला होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे अरेंज होते हैं जैसे तरबूज में सीड्स। इसी वजह से इनके मॉडल का क्या नाम पड़ा था, प्लम पुडिंग मॉडल, तरबूज में सीड्स। तो भाई साहब जैसे ही स्पेक्ट्रम की बात आई इनकी हवाएं उड़ गई। इन्होंने क्या बोला, इनको तो भाई स्पेक्ट्रम के बारे में पता नहीं था, अब स्पेक्ट्रम के बारे में इन्होंने साइंटिस्ट ने पूछ लिया। अब स्पेक्ट्रम क्या है, देखिए दो तरीके के स्पेक्ट्रम हम लोग पढ़ेंगे। स्पेक्ट्रोग्राफी क्या है, साइंस के अंदर पूरी एक ब्रांच है। ठीक है, साइंस के अंदर एक पूरी ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हर एक गैस के मॉलिक्यूल का, हर एक एटम का स्पेक्ट्रम बनाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग दो टाइप के स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे यहाँ पर। एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है, एमिशन स्पेक्ट्रम, एंड एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो एमिशन स्पेक्ट्रम के अंदर क्या देखा गया, देखिए अब इन्होंने एक गैस का मॉलिक्यूल लिया। देखिए स्पेक्ट्रम जब हमको किसी को बनाना हो तो इन्होंने क्या किया भैया, गैस का मॉलिक्यूल लिया और गैस के मॉलिक्यूल के ऊपर लाइट डाला। इसमें हुआ क्या, ठीक है, गैस का मॉलिक्यूल लिया और गैस के मॉलिक्यूल के ऊपर लाइट डाला, तो स्पेक्ट्रम उनको दो टाइप के मिले, एक एमिशन है एक एब्जॉर्प्शन। अब स्पेक्ट्रम होता क्या है ये तो पता हो, तो स्पेक्ट्रम क्या है, जैसे बारकोड देखा है आपने, बारकोड देखा है, जब आप कोई भी सामान मॉल वॉल में खरीदने जाते हैं कोई भी चीज़, तो उसके पीछे एक छोटी सी पर्ची लगी होती है जिसमें बारकोड लिखा हुआ है, मतलब लाइंस इस तरीके से बनी होती है, इस तरीके से लाइंस बनी होती है, देखा है आपने। तो यहाँ पे क्या करता है, जो आप दुकानदार होता है वो उस पर रेड लाइट लेजर लाइट मारता है और वहाँ से इसका कोड कंप्यूटर में जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारा बार कोड होता है ये हर एक मटेरियल का, हर एक सब्सटेंस का अलग अलग होता है ना। इसी तरीके से जो स्पेक्ट्रम होता है वो हर एक गैस मॉलिक्यूल का अलग अलग होता है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, गैस मॉलिक्यूल का बार कोड होता है जो हर एक मॉलिक्यूल का, हर एक सब्सटेंस का अलग अलग होता है। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों ने देखी। तो भाई साहब इन्होंने क्या किया, गैस का एक मॉलिक्यूल लिया, उस पर क्या करा, लाइट डाली तो क्या हुआ, गैस के जो मॉलिक्यूल है उन्होंने रेडिएशन एमिट करना चालू कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, लाइट के कुछ पार्ट को तो एमिट कर दिया और कुछ पार्ट को तो एब्जॉर्ब कर लिया। तो जिस पार्ट को एमिट किया उन्होंने जो स्पेक्ट्रम बनाया उस स्पेक्ट्रम का नाम हुआ एमिशन स्पेक्ट्रम, और कुछ पार्ट उसका क्या हुआ, एब्जॉर्ब हुआ, उससे जो स्पेक्ट्रम बना उस स्पेक्ट्रम का नाम पड़ा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो भैया यहाँ पर हुआ क्या, गैस के ऊपर क्या डाली गई, लाइट, गैस के ऊपर लाइट डाली गई, और लाइट से क्या हुआ, गैस के मॉलिक्यूल ने रेडिएशन एमिट किया, उस रेडिएशन को, जो एमिटेड रेडिएशन है उसको जब एक फोटोग्राफिक प्लेट पर लिया गया, ये क्या है, पीपी का मतलब फोटोग्राफिक प्लेट, जब इसको फोटोग्राफिक प्लेट पर लिया गया तो हमको कुछ बैंड्स मिले। ठीक है, और ये बैंड्स कैसे थे, ब्राइट बैंड्स। बैंड का मतलब होता है एक साथ मोटा सा रीजन, ठीक है, ब्राइट बैंड्स मिले। ठीक है, यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम बना वो स्पेक्ट्रम क्या कहलाया हमारा, एमिशन स्पेक्ट्रम। अब भैया इसने क्या किया, कुछ पार्ट को ट्रांसमिट यानी अपने में एब्जॉर्ब भी किया, इसने क्या किया, कुछ पार्ट को एब्जॉर्ब किया। तो जब एब्जॉर्बेड पार्ट को फोटोग्राफिक प्लेट पे लिया गया, या फिर इसने क्या किया, कुछ पार्ट ट्रांसमिट मतलब एब्जॉर्ब हुई उसके बाद ट्रांसमिट हुआ, तो जब उस पार्ट को क्या किया गया, फोटोग्राफिक प्लेट पे लिया गया, तो हमको कुछ बैंड्स मिले इस टाइप से, और ये बैंड्स क्या कहलाएं, डार्क बैंड। कौन से बैंड कहलाएं, ये डार्क बैंड कहलाएं। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने देखा कि भाई साहब एमिशन स्पेक्ट्रम में ब्राइट बैंड मिल रहे हैं और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में डार्क बैंड मिल रहे हैं, तो ये हमारा क्या कहला गया, ये हमारे क्या कहला गए कि ये जो हमको बैंड्स मिल रहे हैं, ये बैंड्स कैसे मिल रहे हैं, अल्टरनेट मिल रहे हैं। ठीक है, एक साथ नहीं मिल रहे कि ब्राइट 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 ब्राइट, डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट, इस तरीके से अल्टरनेट मिल रहे हैं।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये क्या है जो डेविड थॉमसन का मॉडल था, ये एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को समझा नहीं पाया, इस वजह से उनका मॉडल फेल हो गया। साइंटिस्ट ने बोला तुम्हारा मॉडल बकवास, एकदम रद्दी है, ले जाओ यहाँ से, बेकार मॉडल है, ठीक है, तुम्हारे मॉडल से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि भाई तुमको पता ही नहीं है ये क्या होता है, तो तुम कैसे बताओगे हमको, ठीक है। तो भाई साहब इनके फेल होने, इनके मॉडल के फेल होने का रीज़न क्या था कि ये स्पेक्ट्रम को समझा नहीं पाए थे। इसके बाद आ गए थे हमारे रदरफोर्ड साहब। अब रदरफोर्ड साहब ने क्या किया, एटम के बारे में और अच्छे से डिस्कवरी की। उन्होंने बेसिकली क्या किया था, अल्फ़ा पार्टिकल गिराए थे कोल की फॉयल पे, यानी कि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, जिसमें उन्होंने क्या किया था, अल्फ़ा पार्टिकल की स्कैटरिंग कराई थी, जिससे उनको कुछ रिजल्ट मिले थे एटम के बारे में, और उन्होंने वहाँ से एटम के न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, जिसकी वजह से उनको नोबल प्राइज़ भी मिला था, ठीक है। बड़ी ख़तरनाक चीज़ें होती हैं भाई सब ये सब। तो यहाँ पे अभी हम लोग बात करेंगे रदरफोर्ड के मॉडल की, लेकिन इससे पहले हम लोग लिख लेते हैं जे.जे. थॉमसन के मॉडल के बारे में थोड़ा सा। तो लिख लीजिए जे.जे. थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल डालिए और उसमें लिखिए ही सेड दैट, अच्छा हाँ ये तो मैं लिखवा चुका हूँ ना, हाँ चलिए। अब यहाँ पे मुझे आपको डालना है इसके अंदर फेलियर रीज़न, हाँ रीज़न ऑफ फेलियर ऑफ जे.जे. थॉमसन मॉडल, आपको हेडिंग डालना है रीज़न ऑफ फेलियर ऑफ जे.जे. थॉमसन मॉडल, ठीक है। जे.जे. थॉमसन मॉडल के फेल होने का रीज़न क्या था ये हमको बताना है। तो ये क्या कर पाए थे भैया, स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो आप लोग लिखिए थॉमसन कुड नॉट एक्सप्लेन एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड हिज मॉडल वॉज फेल, यानी कि वो एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को क्या कर पाए थे, एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, इस वजह से इनका मॉडल क्या हो गया था, फेल हो गया था। अब भैया स्पेक्ट्रम की बात आई तो एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में भी थोड़ा सा लिख लेते हैं, बता तो दिया ही है क्या होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग हेडिंग डालिए एमिशन स्पेक्ट्रम, इसमें सबसे पहले लिखेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम में लिखेंगे we took electromagnetic wave are all wavelength and made them to fall on a gas. The gas radiates some energy which is taken on photographic plate. This is called emission spectrum. And this is a unique identification tool for a gas. ठीक है। नेक्स्ट आप लोग इसी के अंदर लिखिए the band consistence of a gas, number of bright line and band which sharp at one end and fading off at another end. यानी कि इन्होंने क्या बताया कि जो हमको ब्राइट लाइंस मिल रही हैं और जो बैंड्स मिल रहे हैं, डार्क बैंड्स मिल रहे हैं, ये सब क्या हैं, पहले तो शार्प दिखते हैं, ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या होते हैं, हल्के पड़ते जाते हैं, ठीक है, फेडेड होते जाते हैं, यानी हल्के पड़ते जाते हैं। तो ये हमने देखा एमिशन स्पेक्ट्रम के अंदर, ठीक है, कि जो एमिटेड पार्ट है उसको जब फोटोग्राफिक प्लेट पर लिया गया तो जो हमारे पास एक रीज़न मिला, ठीक है, जिसको हमने ब्राइट बैंड का नाम दिया, और इससे जो स्पेक्ट्रम बना इसका नाम क्या लिखा है, एमिशन स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट आप लोग हेडिंग डालिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में लिखिए इफ वी पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्रू अ गैस एंड लुक एट द ट्रांसमिटेड पार्ट टेकन ऑन अ फोटोग्राफिक प्लेट then we have a series of dark line
और बैंड्स करस्पॉन्डिंग टू दोज वेवलेंथ विच आर एब्जॉर्ब, करस्पॉन्डिंग टू दोज वेवलेंथ विच आर एब्जॉर्ब। अब देखिए क्या होता है यहाँ पे, जब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात आई तो यहाँ पर जो गैस के अंदर हमने लाइट डाली तो लाइट ने क्या किया, कुछ पार्ट को एमिट किया, कुछ पार्ट को ट्रांसमिट कर दिया। ठीक है, तो जो ट्रांसमिटेड पार्ट है जब उसको फोटोग्राफिक प्लेट पे लिया गया तो यहाँ से हमने देखा जो एमिटेड पार्ट है। अब देखिए जब गैस के अंदर वेवलेंथ की लाइट थी, ठीक है, तो गैस के मॉलिक्यूल्स में क्या थे, इलेक्ट्रॉन। तो भाई साहब जिस वेवलेंथ की लाइट में, जो वेवलेंथ की लाइट थी, ठीक है, जिस इलेक्ट्रॉन को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रॉन को चाहिए एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ भाई साहब, अगर इसके पास इसकी लाइट में इतनी एनर्जी है कि इलेक्ट्रॉन को एमिट कर ले, तो जिस वेवलेंथ के इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिस वेवलेंथ की लाइट के इलेक्ट्रॉन एमिशन स्पेक्ट्रम के साथ चले गए थे, वो ट्रांसमिटेड वाले पार्ट में क्या मिले, गायब मिले। उस वेवलेंथ की लाइट क्या मिली, ट्रांसमिटेड वाले पार्ट में गायब मिली, क्योंकि भैया इसने क्या किया था, कुछ लाइट को एमिट किया था ना। तो जिस वेवलेंथ की लाइट को इसने एमिट कर दिया, उसने तो ऊपर जाके एमिशन स्पेक्ट्रम बना लिया, और जिस वेवलेंथ की लाइट को इसने ट्रांसमिट किया था वो क्या हो गई, इसमें दिखी। लेकिन जो एमिटेड वाली लाइट है, जिसने एमिशन स्पेक्ट्रम बनाया है, वो इसके अंदर क्या मिली, उस वेवलेंथ की लाइट इसके अंदर खाली मिली। तो वहाँ पे जो बैंड्स बने वो कैसे बैंड बने, डार्क बैंड बने, और उसका नाम हमने क्या दे दिया, उससे जो स्पेक्ट्रम बना उसका नाम अपन ने दे दिया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो आई होप आप लोग एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं रदरफोर्ड का मॉडल। तो ये भाई साहब थॉमसन साहब इसका मॉडल नहीं समझा पाए थे, तो रदरफोर्ड आए थे। रदरफोर्ड ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था जिसके बेसिस पे कुछ रिजल्ट निकले थे, आइए उनके बारे में पढ़ लें। आओ हेडिंग डालो रदरफोर्ड मॉडल, हेडिंग डालिए भाई साहब रदरफोर्ड। आप लोग इसको रफ, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, फिर आप लोग हेडिंग डालिए रदरफोर्ड मॉडल, और उसको किस नाम से जानते हैं, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, और उसको एक और नाम से जानते हैं, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। ठीक है, हेडिंग डालिए रदरफोर्ड मॉडल और क्या है, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट और अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। ठीक है, इन्होंने बेसिकली क्या किया था, रदरफोर्ड ने एटम के बारे में बताया था, और इन्होंने बेसिकली ढूंढ लिया था भैया क्या, एटम का न्यूक्लियस। तो एटम का न्यूक्लियस इन्होंने ढूंढा था, इसी वजह से इनको क्या मिला था, नोबल प्राइज मिला था। और इनका जो मॉडल था वो कुछ हद तक काफ़ी ज़्यादा प्रूवन निकला। ठीक है, जो चीज़ें ये बोलते गए वो सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इनका भी क्या हुआ था, एक रीज़न आ गया था इनके पास जिसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, जिससे कि इनका मॉडल भी फेल हो गया था। लास्ट में बोर साहब आए थे, जिन्होंने एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट किया था एटम के ऊपर, और उन्होंने हमको एक अच्छी एकदम सक्सेसफुल थ्योरी दी थी जो आज भी हम लोग मानते हुए चले आ रहे हैं। ठीक है, उन्होंने कई सारी बातें बताई थी, कुछ पोस्टुलेट दिए थे जिसके बेसिस पे आज भी हम लोग ये सारी चीज़ें मानते चले आ रहे हैं। लेकिन वो आज भी क्या हैं, सारे आइटम पे डिपेंड नहीं करती हैं, वो केवल और केवल उनकी थ्योरी जो प्रूवन थी वो केवल और केवल हाइड्रोजन लाइक आइटम के लिए प्रूवन थी। ठीक है, हाइड्रोजन लाइक आइटम का मतलब ऐसे आइटम जो केवल और केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने, यानी जिनके अंदर केवल और केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि हम लोग बात करें हाइड्रोजन की, He प्लस की, Li2 प्लस की। ठीक है, तो ये सारे एटम्स ऐसे एटम्स हैं, ठीक है, जिनके लिए क्या है, हमारी बोस की थ्योरी काम आती है। ठीक, तो अब हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं रदरफोर्ड की थ्योरी के बारे में। तो इनकी कुछ हद तक थ्योरी सक्सेसफुल थी, लेकिन एक चीज़ को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से इनकी थ्योरी क्या हो गई थी, फेल हो गई थी। तो अभी सबसे पहले देखेंगे इनका गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, यानी इन्होंने क्या किया था, एक अल्फ़ा पार्टिकल का सोर्स किया था, मतलब रेडियम वेडियम ले लिया था। ठीक है, ये है हमारा क्या, सोर्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल। ये क्या कर रहा है भाई साहब, अल्फ़ा पार्टिकल एमिट कर रहा है। अब इसके बीच में इन्होंने क्या कर दिया, एक गोल्ड की फॉयल डाल दी। इन्होंने क्या कर दिया, एक गोल्ड की फॉयल डाल दी। ये क्या है, गोल्ड फॉयल, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, गोल्ड
फॉयल, ठीक है, इन्होंने गोल्ड की फॉयल डाल दी और ये गोल्ड की फॉयल क्या थी, बहुत ही थिन थी, ठीक है, बहुत ही थिन, बहुत ही पतली थी, इतनी पतली जितना आपने चांदी का वर्क देखा है जो मिठाई के ऊपर लगता है, सबने खाया हुआ है ना, तो जो चांदी का वर्क होता है कितना पतला होता है वो, बहुत ही ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा, मतलब 10^-mm में जाता है, बहुत ज़्यादा पतला, ठीक है। तो उतनी पतली इन्होंने एक फॉयल ली, ठीक है, चांदी के वर्क जितनी पतली, और उस पर क्या कराया, अल्फ़ा पार्टिकल की स्कैटरिंग कराई, ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल की बीम को फॉल कराया। तो जब भैया इसको इंसिडेंट कराया इन्होंने गोल्ड फॉयल के ऊपर, और यहाँ पे इन्होंने क्या लगा रखा था, एक डिटेक्टर लगा रखा था, क्या लगा रखा था, डिटेक्टर, ठीक है। तो इस डिटेक्टर का काम क्या था कि जो गोल्ड फॉयल में लाइट गिर रही है, तो ये गोल्ड फॉयल कर क्या रही थी, ये गोल्ड फॉयल इन अल्फा पार्टिकल को स्कैटर कर रही थी डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, इस तरीके से, ठीक है। इसने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में अल्फा पार्टिकल को स्कैटर किया, ठीक। तो इससे कुछ रिजल्ट मिले, रिजल्ट क्या मिले, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इसको नोट करिए, ठीक, रिजल्ट क्या मिले, इसमें से कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो सीधे निकल जा रहे थे, ठीक है, जो क्या हो जा रहे थे, एकदम सीधे निकल जा रहे थे, यानी बिना डेविएट हुए। कुछ अल्फा पार्टिकल हमारे ऐसे थे तो जो कुछ एंगल पे डेविएट हो रहे थे, और लगभग छोटा मोटा नहीं है भैया, ये काम बहुत बड़ा था, छोटे मोटे पार्टिकल नहीं कि एक अल्फा पार्टिकल डाला ये एक्सपेरिमेंट हो गया, लगभग 10,000 अल्फा पार्टिकल इन्होंने गिराए थे, जिसमें से कोई एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो 180 डिग्री से वापस आ गया, मतलब कि वो क्या हुआ, तुरंत ही गया और ऐसे गया और ऐसे ही क्या हो गया, वापस आ गया, 180 डिग्री पे रोटेट करके वापस आ गया, ठीक है। 10,000 में से कोई एक ऐसा पार्टिकल था, ये सारे उन्होंने रिजल्ट्स निकाले। तो सबसे पहले आप लोग इसको नोट करिए, फिर हम लोग पढ़ लेते हैं रिजल्ट और उससे क्या कॉन्क्लूजन निकला उनके बारे में, इसको नोट करिए, उसके बाद आप लोग इसमें से थोड़ा सा लिख लीजिए, ठीक, ये आप लोग नोट कर लिए। अब देखिए, अब यहाँ पे इन्होंने जो रिजल्ट निकाला वो क्या निकाला, तो सब हेडिंग डालिए रिजल्ट एंड कॉन्क्लूजन डालिए हेडिंग। अब देखिए उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने ये बताया था कि जो एटम है, एटम क्या है, स्फेरिकल शेप का है, ठीक है, जो कि थॉमसन बता चुके हैं कि पॉजिटिव चार्ज का गोला, तो ये स्फेरिकल ही है, ठीक है, अब ये स्फेरिकल टाइप का है। अब इस पर जब अल्फ़ा पार्टिकल की स्कैटरिंग कराई गई, तो यहाँ से क्या हुआ, जो गोल्ड फॉयल के अंदर एटम थे, ठीक है, एटम थे, उसमें से क्या हुआ कि जो अल्फ़ा पार्टिकल है उसमें से मैक्सिमम अल्फा पार, 10,000 अल्फा पार्टिकल गिराए गए थे, जिसमें से मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल क्या हो जा रहे थे, एटम से एकदम सीधे निकल जा रहे थे, बिना डेविएट हुए, एकदम बिल्कुल भी डेविएट नहीं हो रहे थे। कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे हमारे जो कुछ एंगल पे क्या हो रहे थे, डेविएट हो रहे हैं, देख पा रहे हो, कुछ एंगल पे क्या हो रहे हैं, डेविएट हो रहे हैं, और 10,000 में से कोई एक ऐसा पार्टिकल्स था जो क्या हो रहा था, 180 डिग्री से वापस आ जा रहा था, ऐसे गया और 180 डिग्री पे ही वापस आ गया। तो इन्होंने भैया रिजल्ट निकाला, कॉन्क्लूजन क्या निकाला भैया, एटम के सेंटर में कोई तो ऐसी चीज़ है जिसमें एटम का सारा मास और पॉजिटिव चार्ज क्या है, इंक्लूड है, ठीक, और उस पॉजिटिव चार्ज को इन्होंने क्या नाम दे दिया, उस सेंटर में जो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है जिसमें एटम का सारा मास है, उसको इन्होंने नाम दे दिया न्यूक्लियस, क्या नाम दे दिया, न्यूक्लियस नाम दे दिया। इस तरीके से इन्होंने एटम के न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, ठीक है। तो इन्होंने बोला भैया एटम के सेंटर में कोई तो ऐसी चीज़ प्रेजेंट है, क्योंकि भाई साहब अल्फ़ा पार्टिकल क्या है, अल्फ़ा पार्टिकल है हीलियम का न्यूक्लियस, Hg2+, ये तो आप सभी लोग जानते हैं ना, हीलियम का न्यूक्लियस है, क्योंकि अब देखिए इसको लिख सकते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल को हम लोग Hg2+ लिख सकते हैं, कई सारे नाम से जानते हैं, ठीक है, तो Hg2+ भी हम लोग लिख सकते हैं। Hg2+ का मतलब क्या है, हीलियम का एटम, ठीक है, जिसमें दो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। अब भैया जब हम इन दो इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे तो बचेगा क्या, हीलियम का केवल और केवल न्यूक्लियस बचेगा, ठीक है, तो जो हीलियम का न्यूक्लियस बचेगा तो वो क्या कहलाता है, हमारा अल्फ़ा पार्टिकल कहलाता है, ठीक। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कर लिया, बेसिकली न्यूक्लियस की खोज कर ली, ठीक है। तो जब न्यूक्लियस की खोज इन्होंने कर ली, तो यहाँ से इन्होंने देखा कि कुछ ऐसा सेंटर में पाया जाता है जिससे कि क्या होता है भाई साहब, अल्फ़ा पार्टिकल 180 डिग्री से क्या कर रहा है, वापस आ जा रहा है। तो इतने सारे रिजल्ट इन्होंने निकाले। तो रिजल्ट एंड कॉन्क्लूजन में आप लोग ये डायग्राम बनाइए और लिखिए, रिजल्ट एंड कॉन्क्लूजन में फर्स्ट पॉइंट लिखिए एरो बना के,
ये डायग्राम बनाने के बाद मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल गोज अनडेविएटेड, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल गोज अनडेविएटेड एंड वेरी लेस अल्फा पार्टिकल नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, वेरी लेस अल्फा पार्टिकल्स डेविएटेड बाय स्मॉल एंगल, वेरी लेस अल्फा पार्टिकल डेविएटेड बाय स्मॉल एंगल नेक्स्ट आप लोग लिखिए, approximately 1 out of 10,000 alpha particle, approximately 1 out of 10,000 alpha particle deviated by 180 degree. यही सारे मैंने रिजल्ट लिखवाए कि कुछ पार्टिकल क्या है सीधे निकल जाते हैं, जिससे कॉन्क्लूजन क्या निकला कि एटम का लगभग लगभग पार्ट क्या है, एम्प्टी स्पेस है, ठीक है, लगभग लगभग पार्ट क्या है, एम्प्टी स्पेस है, इससे कॉन्क्लूजन ये निकला। तो सबसे पहले आप लोग ये सारा लिख लिया आपने कि 10,000 में से एक अल्फा पार्टिकल है जो 180 डिग्री से क्या हो रहा है, वापस आ जा रहा है। तो कॉन्क्लूजन अब हेडिंग डालिए, उसमें लिखिए मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस एंड देयर इज स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज Sphere at the center of the atom. और इन्होंने क्या बताया, एटम के सेंटर में कुछ तो है, एक पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, जो कि क्या है, एटम के सेंटर में मौजूद है, जिसमें एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज एंड मास है, ठीक है, इंक्लूड है, इसको इन्होंने नाम दे दिया न्यूक्लियस, जिसकी वजह से क्या हुआ था भाई साहब, इनको नोबल पुरस्कार मिला था। तो ये भैया बहुत ही खतरनाक रिजल्ट है, ठीक है, ऐसे ही नहीं आते ये सारे रिजल्ट, ठीक है, इसी वजह से इनको क्या मिला था, नोबल प्राइज मिला था। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन परफॉर्म अ सर्कुलर मोशन। अब इन्होंने इससे क्या रिजल्ट निकाला कि भाई साहब एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके ऑर्बिट में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ये तो हम जानते हैं कि एटम के ऑर्बिट में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो एटम के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, सर्कुलेटरी मोशन करते हैं, एटम के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, सर्कुलेटरी मोशन करते हैं, यानी कि सर्कुलर पाथ में ऐसे ऐसे मूव करते रहते हैं, ठीक है, एटम के ऑर्बिट में, और इनके बीच में जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, ठीक है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है इलेक्ट्रॉन को रोटेट कराने के लिए न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, वो आता है इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स से। ये कंक्लूजन इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से निकाला कि भाई साहब इलेक्ट्रॉन, मैं फिर से बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसके चारों ओर ऑर्बिट में सर्कुलर मोशन करते हैं, उनके सर्कुलर मोशन करने के लिए, ठीक है, इनके बीच में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स आता है वो बैलेंस होता है इनके बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स से। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स आपने पढ़ा है, ठीक है, किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में, कि कोई दो चार्ज है भाई साहब, कोई दो चार्ज हैं, ठीक है, तो इनके बीच ये कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू आती थी वो क्या आती थी, K Q1 Q2 / r² यही तो आती थी। तो ये क्या होते हैं, इनके बीच में जो सेंट्रीपिटल फोर्स है mv² / r, वो बैलेंस होता है इनके बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स से, यानी K Q1 Q2 / r, ये इक्वेशन इन्होंने दी, ठीक। तो आप लोग लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉन परफॉर्म अ सर्कुलर मोशन अबाउट दिस स्फेयर and centripetal force is balanced by the electrostatic attraction between न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, उसके बाद आप लोग ये वाली इक्वेशन लिख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द अल्फा पार्टिकल विच डेविएटेड बाय 180 डिग्री वॉज यूज टू फाइंड रेडियस ऑफ द
न्यूक्लियस विच इज़ अबाउट, वो जो न्यूक्लियस की रेडियस आई थी वो कितनी आई थी, 10^-15 मीटर। यानी कि इन्होंने क्या किया था कि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो उसमें से क्या हो जा रहा है, एक अल्फ़ा पार्टिकल ऐसा है जो 180 डिग्री से रोटेट कर रहा है, इससे इनको रिजल्ट क्या मिला था, इन्होंने न्यूक्लियस की रेडियस भी कैलकुलेट कर ली थी, और वो जो न्यूक्लियस की रेडियस आई थी वो कितनी आई थी, 10^-15 मीटर। और उस समय जब जे.जे. थॉमसन ने अपना मॉडल दिया था तो उस समय एटम की भी रेडियस क्या हो गई थी, कैलकुलेट हो गई थी। एटम की जो रेडियस होती है वो होती है लगभग 1 एंगस्ट्रॉम, या फिर हम इसको बोल सकते हैं 10^-10 मीटर, ठीक है। तो आप समझ जाइए कि न्यूक्लियस जो होता है वो एटम से कितना ज़्यादा छोटा होता है, बात समझ में। ये देखिए 10^-15 मीटर एटम के न्यूक्लियस की रेडियस है, और जो हमारा एटम की रेडियस है वो कितनी है, 10^-10 मीटर। ये सारे रिजल्ट किससे मिले थे, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से मिले थे, ठीक। तो इन्होंने एक बात ये जो बताई कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके बीच में सर्कुलेटरी मोशन करते हैं, और इनके बीच में जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इनके बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बैलेंस रहता है। तो इस बात पे क्या हुआ, इनको नोबेल प्राइज़ मिल चुका था भाई साहब। उसके बाद क्या हुआ, मैक्सवेल साहब अब कुछ कर तो सकते नहीं थे, तो गुस्सा हो गए वो उसको। अब वो भैया बड़ा ही ख़तरनाक आदमी था, उसने दिमाग लगा दिया, उसने दिमाग लगाया, और उस समय वो अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी तो लेकर आया ही था। उसने क्या बोला कि भाई साहब अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में सर्कुलेटरी मोशन कर रहा है, तो वो भाई साहब सर्कुलेटरी मोशन करते करते एनर्जी का लॉस करेगा। अब लोग रदरफोर्ड की लग गई, अब रदरफोर्ड को इसके बारे में तो पता था नहीं, ठीक है। तो उसने क्या बोल दिया, अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड में सर्कुलेटरी मोशन कर रहा है, तो वो सर्कुलेटरी मोशन करते करते रेडिएशन एमिट करेगा, यानी एनर्जी का लॉस करेगा। तो इस तरीके से तो परमानेंट वो एटम के ऑर्बिट के चारों तरफ सर्कुलेटरी मोशन कर नहीं सकता, क्योंकि भाई साहब अगर ये रेडिएशन एमिट करेगा तो धीरे 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 क्या हो जाएगी, उसकी एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी, और ऐसा टाइम आएगा कि इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, एकदम ख़त्म। तब ये किस में चला जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए। तो ऐसा क्यों नहीं होता है, भैया मैक्सवेल साहब ने क्वेश्चन खड़ा कर दिया। अब रदरफोर्ड की हालत ख़राब, नोबेल प्राइज़ मिल चुका था इनको। अब नोबेल प्राइज़ मिलने के बाद तो वापस तो ये ले नहीं, मतलब कि साइंटिस्ट वापस तो ले नहीं सकते थे। अब भैया मैक्सवेल ने क्वेश्चन उठाया, अब रदरफोर्ड की हालत ख़राब, रदरफोर्ड इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इसने बोला भैया अगर चार्ज क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इट विल टेक अ स्पायरल पाथ एंड कोलैप्स इनटू द न्यूक्लियस। यानी कि वो क्या करना चाहिए, अंत में न्यूक्लियस में समा जाना चाहिए। बात समझ में आ रही है, अंत में किस में समा जाना चाहिए, न्यूक्लियस के अंदर समा जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और साथ ही साथ जो स्पेक्ट्रम अभी हमने बताया उसको भी रदरफोर्ड साहब ने एक्सप्लेन कर पाए। इसी वजह से इनका मॉडल क्या हो गया था, फेल हो गया था, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग डालिए फेलियर रीज़न ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, और इसमें लिखिए, इसमें एरो बना के पॉइंट लिखिए, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल अ चार्ज पार्टिकल इज मोशन under the influence of another charge particle will emit energy in the form of radiation and it will take a spiral path and collapse into the nucleus. Collapse मतलब समा जाना चाहिए, collapse into the nucleus. And he next point लिखिएगा, Rutherford was also not explained emission and absorption spectrum. This reason Rutherford model was failed.
दिस रीजन अदर फूड मॉडल वॉज फेल्ड। इसके साथ इसके बाद कौन आए थे भाई साहब, बोर आए थे। बोर क्या थे बेसिक, बोर हमारे रदरफोर्ड के स्टूडेंट ही थे जिन्होंने एक सक्सेसफुल हमको एक्सपेरिमेंट दिया था, ठीक है। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने कई सारे पोस्टुलेट दिए थे। तो भाई साहब अब आज हमने तीन थ्योरी पढ़ ली हैं, ठीक है, तीन थ्योरी पढ़ ली हैं। आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो डायग्राम हमने बनाया है ये वाला स्पाइरल पाथ वाला, ये वाला डायग्राम बनाएंगे। उसके बाद आप लोग हेडिंग डालिए बोर्स मॉडल, ठीक है, बोर्स मॉडल हेडिंग डालिए, ठीक है। तो समझ में आया, बोर्स मॉडल आपने हेडिंग डाल ली, उसमें आप लोग लिखिए इट गिव्स द फर्स्ट सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन इट गिव्स द फर्स्ट सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन फॉर द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एंड वॉज डेवलप्ड for hydrogen like atom and was developed for hydrogen like atom bracket में लिख लीजिएगा single electron atom, यानी कि उसके लिए proven था जो कि क्या है केवल और केवल single electron से मिलकर बने, ठीक है, जिसके atoms के orbit में केवल और केवल single electron है। इन्होंने क्या किया basically कुछ postulate दिए, तो इसमें सबसे पहले आप example लिख लीजिए। example क्या है, hydrogen हो गया, He plus हो गया, ठीक है, Li2+ हो गया, ये सारे क्या हैं इसके एग्जांपल हैं, ठीक है। इनके लिए ही केवल बोर्स का मॉडल प्रूवन था। तो इन्होंने कुछ पोस्टुलेट दिए, उन्होंने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम के, ठीक है, ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं, सर्कुलेटरी मोशन करते रहते हैं। ये बात तो भैया अभी रदरफोर्ड साहब ने बोल दी। और उन्होंने क्या बोला, इनके बीच में जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इनके बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से क्या होता है, बैलेंस रहता है। तो ये बात तो क्या बोल रहे हैं, रदरफोर्ड साहब बोल चुके थे। तो भैया रदरफोर्ड साहब बोल चुके थे तो मैक्सवेल ने इन्हीं के यही बात को तो प्रूफ गलत प्रूफ किया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था, इनका मॉडल फेल हो गया था। यानी गलत नहीं प्रूव, या जब एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए तो होगा क्या, ठीक है। तो रदरफोर्ड क्या हुआ भाई साहब, रदरफोर्ड का मॉडल इसी वजह से फेल हुआ था क्योंकि ये इस बात को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए। और बोर फिर अगेन यही बात बोल रहा है कि भैया जो mv² / r है वो बराबर होता है k1q2/r² के, ठीक है। तो मैक्सवेल फिर उछलता हुआ आ रहा है, मैंने इसको गलत प्रूव कर दिया है, ठीक है। तो वो बोलता है लोग मेरे पास रीज़न है, क्या रीज़न है कि भैया इलेक्ट्रॉन जो है वो वही फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमेगा। इलेक्ट्रॉन क्या है, एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमेगा जिसकी एनर्जी क्या होगी, फिक्स्ड होगी। यानी जो है इलेक्ट्रॉन केवल और केवल उन्हीं ऑर्बिट में घूमेगा जिनकी एनर्जी क्या रहेगी, फिक्स्ड। बात समझ में आई, यानी कि वो एक फिक्स्ड एनर्जी की ऑर्बिट में क्या होगा, रोटेट करेगा, जिसका सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर इसके होगा। बात समझ नहीं, यानी कि इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिट में मूव नहीं करेगा, उसी ऑर्बिट में मूव करेगा जिसकी एनर्जी फिक्स्ड है। अब मैक्सवेल साहब बैठ गए एकदम आराम से, उन्होंने यही चीज़, ये क्या है, रदरफोर्ड साहब एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे लेकिन बोर ने एक्सप्लेन कर दिया। तो इन्होंने, इनका फर्स्ट पोस्टुलेट यही था कि भाई साहब जो इलेक्ट्रॉन है वो रोटेट सर्कुलेटरी मोशन करता है, ठीक है, और उन वो केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में सर्कुलेटरी मोशन करता है जिनकी एनर्जी क्या है, फिक्स। तो इसमें फर्स्ट पोस्टुलेट आप लोग हेडिंग डालिए, देखिए इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ विथ सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंस्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। इसको आप लोग बना लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इनका क्या था, फर्स्ट पोस्टुलेट था, ठीक है। सेकंड पोस्टुलेट इन्होंने क्या दिया, सेकंड पोस्टुलेट आप लोग हेडिंग डालिए और लिखिए इसमें, सेकंड पोस्टुलेट में लिखिए अगेन मैक्सवेल केम द सेम क्वेश्चन। तो उसने उसका रीजन दे दिया,
ठीक है। बट बोथ सेड दैट, ये अभी पॉस्टुलेट सेकंड नहीं डालेंगे, अभी इससे पहले आप लोग इसको कट करेंगे, फिर वहाँ पे लिखेंगे जो अभी मैक्सवेल ने बोला। लिखिएगा अगेन मैक्सवेल सेज सेम क्वेश्चन, बट बोर्स सेज सेड दैट, बट बोर्स सेड दैट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट्स, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट्स इन विच नो एनर्जी रेडिएशन इज एमिटेड, इन विच नो एनर्जी रेडिएशन इज एमिट, यानी कि वो एक फिक्स्ड एनर्जी ऑर्बिट में ही घूमेगा जो कि क्या होगी, जिससे कि कोई रेडिएशन का एमिटर मतलब कि एमिशन नहीं होगा, ठीक है। When electron makes transition from a higher energy state to lower energy state, this energy is in the form of photon। उन्होंने बोला भैया अगर वो एक फिक्स्ड एनर्जी के ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है तो वो एनर्जी का एमिशन नहीं करेगा, वो एनर्जी का एमिशन तभी करेगा जब वो अपनी स्टेट को छोड़कर किसी हायर स्टेट में जाएगा, बात समझ में आई। और जो वो एनर्जी एमिट करेगा वो किसके फॉर्म में करेगा, फोटॉन्स के फॉर्म में, ठीक है। और कब करेगा, जब वो किसी लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जंप करेगा। तो भैया दो चीज़ें बातें होंगी, अगर वो लोअर से हायर में जा रहा है या तो वो एनर्जी लेगा या देगा, एनर्जी लेगा तो एनर्जी क्या करेगा, वो लेगा। अगर लोअर से हायर हायर से लोअर में जाएगा तो वो क्या करेगा, एनर्जी एमिट करेगा। तो ये सारी बातें होती हैं जो जब हम लोग अभी पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो उसमें देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उसने यही चीज़ बोली, भैया जब हायर से मतलब कि जब एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में जाएगा तभी जो है यहाँ पर एनर्जी का एमिट मतलब एनर्जी का लॉस होगा या एनर्जी एमिट होगी या फिर एनर्जी क्या होगी हम लोगों को देनी पड़ेगी, अदरवाइज अगर फिक्स ऑर्बिट में घूम रहा है तो फिर एनर्जी का लॉस नहीं होगा, ठीक है। सेकंड पोस्टुलेट उन्होंने दिया एंगुलर मोमेंटम पे, अब हेडिंग डालिए सेकंड पोस्टुलेट, ठीक है। अब हेडिंग डालिए आप लोग सेकंड पोस्टुलेट, सेकंड पोस्टुलेट में लिखिए एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड। एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड, ठीक है। लेकिन ही फाउंड दैट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड एंड इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH अपॉन 2π एंड इज एन इलेक्ट्रिकल सॉरी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH अपॉन 2π, यानी इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट में घूमेगा जिनकी एनर्जी फिक्स्ड है और जिनका मोमेंटम क्या है, NH अपॉन 2π का मल्टीपल है। इन्होंने क्या बोला, जिसका मोमेंटम क्या है, NH अपॉन 2π का मल्टीपल है, बात समझ में आई, यानी कि टोटल मल्टीपल है किसका, NH अपॉन 2π का। ये इनका सेकंड पोस्टुलेट था, ठीक है। तो ये दो पोस्टुलेट दिए थे और पीछे से इनको क्या किया था, डी ब्रॉगली ने भी सपोर्ट कर दिया था, बात समझ गई। इसको क्या किया था, डी ब्रॉगली ने भी इनके जो इन्होंने पोस्टुलेट दिए उसको सपोर्ट कर दिया था, जिससे कि इनकी थ्योरी क्या हो गई थी, प्रूवन हो गई थी, बात समझ में आ रही है। तो देखिए डी ब्रॉगली ने इनको कैसे सपोर्ट किया था, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये हमने बना रखी है कुछ स्टैंडिंग वेव,
ठीक है। ये हमारी कुछ स्टैंडिंग वेव बनी हुई है, ठीक है। स्टैंडिंग वेव क्या होती है, फिक्स्ड, इनकी एनर्जी फिक्स्ड रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पर अगर मान लीजिए ये हमारी एक एल, अगर ये हमने क्या माना है, इसको स्फेरिकल माना, ठीक है, सर्कुलर माना है, तो इसकी रेडियस की अगर बात करेंगे या फिर इसकी लेंथ की बात करेंगे तो क्या होगी, 2πr होगी। लेंथ क्या होगी इसकी, 2πr, ठीक है। तो अगर इसको हमको मैक्सिमाइज करना है तो 2πr इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन लैम्डा हो जाएगा फॉर स्टैंडिंग वेव। ये होता है, ये इक्वेशन होती है फॉर स्टैंडिंग वेव के लिए, ठीक है। अगर अपन स्टैंडिंग वेव की बात करें, ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं, 2πr इक्वल टू एन लैम्डा होता है। बात समझ में आती है। अब यहाँ से अपन देखेंगे कि यहाँ पर इन्होंने क्या बोला कि इसका जो मोमेंटम है वो क्या है, एन एच अपॉन 2π का पूर्ण टोटल मल्टीपल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगर हमको क्या करना है, इसको मैक्सिमाइज करना, तो ये करेंगे 2πr इक्वल टू एन लैम्डा। अब यहाँ से अगर लैम्डा इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, एच अपॉन में एम वी जानते हैं, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, एन एच अपॉन एम वी हो जाएगा। तो देखिए इसको मैं थोड़ा सा रफ करता हूँ फिर बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे हमने इक्वेशन क्या लिखी, 2πr इक्वल टू एन लैम्डा, और लैम्डा इक्वल टू अपन जानते हैं एच अपॉन में एम वी होता है। हमने यहाँ पे पुट किया एन एच अपॉन में एम इंटू वी। अब वी, एम वी को इधर लेके जाइए और 2π को इधर लेके आइए, तो क्या हो जाएगा, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन में 2π। डी ब्रॉगली ने ये इक्वेशन दी थी कि नहीं दी थी, तो इस तरीके से डी ब्रॉगली ने भी क्या किया, इनका जो पोस्टुलेट था उसको क्या कर दिया, प्रूव कर दिया, जिससे कि इनकी थ्योरी क्या हो गई, प्रूवन हो गई। तो आप लोग ये वाला डायग्राम बना लीजिए और इसमें ये इक्वेशन लिख के ये वाला आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसके नीचे आप लोग लिखिए, डी ब्रॉगली सपोर्टेड दिस एंड हेंस दिस मॉडल इज प्रूवन। तो इस तरीके से हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ये मॉडल क्या हो जाता है, एकदम अच्छे से प्रूव हो जाता है, ठीक। तो आज हमने सारी थ्योरीज पढ़ ली हैं, अब हम लोग हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए जो बोर ने, ठीक है, ये इक्वेशन दी थी, इन दोनों पोस्टुलेट के बेसिस पे हम लोग हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, ठीक है, बोस की nth ऑर्बिट की रेडियस निकालेंगे, एनर्जी निकालेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे, ये सारी चीज़ें निकालेंगे, ठीक है, तो इन दो पोस्टुलेट के बेसिस पे। तो आज अपन ने ये सारी थ्योरी कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बोस की, ठीक है, nth ऑर्बिट की रेडियस की बात करेंगे, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ओके। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स के साथ। बोस की रेडियस निकालेंगे, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालेंगे, ये सारी चीज़ें निकालेंगे, ठीक है। तो बस अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, ठीक है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि अगली वीडियो आपको अच्छे से मिल जाए देखने को, ठीक है, क्योंकि लाइक करेंगे तभी तो नोटिफिकेशन, सॉरी सब्सक्राइब करेंगे चैनल को तभी तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगी ना। बात समझ में आ रही है, तो आप क्या करेंगे भैया, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ठीक। तो बाकी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।